इधर जरा दिखाइए, एक भाप का इंजन खड़ा हुआ है, लोको खड़ा हुआ है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको भाप के इंजन दिखाने वाला हूँ। अभी मैं हूँ रेवाड़ी के रेल म्यूजियम में। यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत से पुराने पुराने भाप के इंजन दिखाने वाला हूँ। दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन जो है फेरी क्वीन, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसकी जर्नी भी कराने वाला हूँ। और टिकट लेते हैं वहाँ पे, हर एक चीज़ का यहाँ पे अलग अलग प्राइस के टिकट लगे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको बेसिकली यहाँ पे घूमना है, उसके लिए 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत आने से पुराने भाप के इंजन दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए फुल वॉच करिए, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश है, जहाँ पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर एक आप देख सकते हो लोको रखा हुआ है, बहुत ही पुराना लोको है भाई। इसकी तो हालत ही बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, डेंट पेंट सब उखड़ गया है इसका, लकड़ी वकड़ी सब निकल रखी है। इनको यार अब ले भी नहीं जाया सकता दूसरी जगह पे, देखो कैसा हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। इधर देख सकते हो, इधर भी आप देखोगे तो पूरा ये ख़राब है। ये देखिए किस टाइप से यहाँ पे बना हुआ है, पूरा ख़राब ही ख़राब है। ये क्या भाई, इधर छत वाली पाइप ही रखी हुई है, देखो। इधर एक छोटा सा लोको रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल खड़खड़ा लग रहा है, लोलर लग रहा है भाई। लोलर ही है। हाँ लोलर ही है यार, लेकिन ये का बना रखा है इसमें फेरी क्वीन जैसा। दोस्तों यहीं पर जो है गदर वाला भी अकबर खड़ा हुआ है, जो लोकोमोटिव लगाया गया था सामने, आप देख पा रहे हो, ये गदर फिल्म में लगाया गया था भाई, अकबर उधर खड़ा हुआ है। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, इसका पूरा डिटेल में वीडियो यहां पे पड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हो इधर, ऐसा भाई नज़ारा है यहां का। आप देख सकते हो लिखा हुआ भाप इंजन कारखाना, ये आप देख सकते हो, एक है जमालपुर कारखाना, दूसरा है कुन्नूर स्टीम सेट, वहाँ पर भी है, खड़गपुर में भी है, और लिलुआ कारखाना, और रेवाड़ी जहाँ पे इस समय हम हैं, और एक है तिनधरिया कारखाना, और एक है चितरंजन लोकोमोटिव। मतलब भारत में इतने जगहों पर जो है इनके भाप के इंजन के कारखाना है ना विकास भाई, इसका मतलब यही तो है। ये आप देख सकते हो 4252YG, ये आप देख सकते हो एक स्ट्रीम लोको है यहाँ पर खड़ा हुआ है। आगे से देखेंगे कि भाई साहब ये कौन सा स्ट्रीम लोको है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कारखाना वगैरह। ये देखिए नामपल्ली स्टेशन से गुजरते हुए तीर्थ यात्री ट्रेन, ये देखिए लोको इधर खड़ा हुआ है, ये कुछ ऐसा लोको, उधर भी ऐसा ही एक लोको खड़ा हुआ है। ये देखिए सभी यहाँ पे आओगे तो भाई लोको ही लोको आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कारखाना है भाप के इंजन वाला, इसी वजह से यहाँ पे देखने को। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये देखिए दार्जिलिंग जाते हो तो वहाँ पर भी आपको भाप के टॉय ट्रेन जो भाप के इंजन से चलती है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर भी एक खड़ा हुआ है लोको, देख सकते हो भंडार कार्यालय सभा कक्ष, बहुत ही पुराने पुराने आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो लोको आपने कभी लाइफ में नहीं देखे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इधर भी एक खड़ा हुआ है, ये देखिए इधर भी एक लोको खड़ा हुआ है, इसकी लाइट देखो भाई इधर गई। शुरुआती दौर की भारतीय रेलवे, पहले आप देख सकते हो तो भारत की जो ट्रेनें थी वो बैलों से चलाई जाती थी, ये बहुत ही अच्छा। गायकवाड़ वडोदरा के 1863 में बैल से चलने वाली ट्रेन, भाई साहब बैल से चलने वाली ट्रेन, ये देखो बैल से चल रही है ट्रेन, इधर भी चल रही है। पहले मतलब कि बैलों से भी ट्रेन चलाई जाती थी, ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं आप देख सकते हो, और उधर भी ट्रेन दिखे हुए हैं शायद, ये आप देख सकते हो शुरुआती दौर के भारत के परिवहन साधन।
और इधर भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दी गई हैं। व्हील अरेंजमेंट, देखो ये जो व्हील मतलब जानते हो पहिए, पहिए का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। पहले दो तीन चार छोटे बड़े ये देख सकते हो, इस तरीके से व्हील का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। और ऊपर आप देख सकते हो ये भाप के इंजन के भाग यहाँ पे, ये देखिए सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाई साहब है रेवाड़ी किंग, आप देख सकते हो ये है रेवाड़ी किंग, इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। और भी हैं, एक साहिब है यहाँ पे, साहिब शायद मैंने आपको दिखाया है कि नहीं दिखाया है पता नहीं, फिलहाल ऐसे आप देख लीजिए ये साहिब। और ऊपर जो है लोको पायलट भी हैं जो शायद चलाते थे। इधर है सिंध, ये आप देख सकते हो ये सिंध आगे लिखा हुआ है फिलहाल सभी पे, पहले लिखा था अब नहीं लिखा। इधर है सुल्तान, और ये देखो भाई एक लोको। हम आगे दूसरी साइड, यहाँ पे कुछ कोच खड़े हुए हैं, एक दो कोच आपको देखने को मिलेंगे। इधर आप बैठ सकते हो, आराम फरमा सकते हो, गार्डन में घूम सकते हो। ये कुछ कोच यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, ये भी पुराने हैं भाई, उन पुराने ही हैं जो कोच लगे हुए हैं। देखो ये हैं कोच, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए कोचेस, पुराने पुराने कोच। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोच, आप देख सकते हो पूरा लकड़ी का कोच ऊपर का बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई भी है चढ़ने में। विंडो आप देख सकते हो, गेट काफ़ी पतला सा नुमा सा है, पतला सा। और ये देखो भाई इधर भी एक कोच लगा हुआ है जो कि लकड़ी का नहीं है, पिछला वाला लकड़ी का था, ये लकड़ी का नहीं। और एक ये गार्डन सा है, काफ़ी बढ़िया है गार्डन, जिससे हमें मिली गति प्रगति और कार्य कुशलता। जैसे जैसे पहिया बेहतर होता गया दुनिया की प्रगति को नए आयाम मिलते गए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले व्यावसायिक रूप से कामयाब स्टीम इंजन के निर्माण के साथ पहिए ने आधुनिकरण की गति को बदल कर रख दिया। और 1825 में पब्लिक रेलमार्ग पर यात्रियों को ले जाने वाला पहला स्टीम इंजन तैयार हुआ। लोगों को आने जाने और बड़ी मात्रा में माल लाने ले जाने का एक नया किफायती माध्यम मिला। ये काम पहले जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों से किया जाता था। स्टीम मोबिलिटी की भारत में शुरुआत 1853 में हुई, जब 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई के बोरी बंदर और ठाणे के बीच दौड़ी। 400 यात्रियों को ले जाने वाली 14 गैज वाली ट्रेन को इंजनों द्वारा चला गया। पर आप देख सकते हो एक इंजन खड़ा हुआ है जिसमें लिखा EIR22। ये है विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन। इसका नाम है फेरी क्वीन, जो कि बीच में बंद हो गया था लेकिन अब हाल ही में इसे चालू कर दिया गया है। ये देखिए फेरी क्वीन लिखा हुआ है, इसमें दो बोगियां जुड़ी होती हैं और उन बोगियों में 60 यात्री सफर करते हैं। और ये रेवाड़ी से दिल्ली के बीच कभी कभी चलाई जाती है। तो आप देख सकते हो विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन फेरी क्वीन, यही है भाई। एक छोटा सा उधर भी खड़ा हुआ लोको, ये आप देख सकते हो। दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन पर बैठने वाला हूँ और इसका सफर भी करवाऊंगा। और फिलहाल तो नाम तो पता नहीं है, लेकिन मैं बैठा हूँ फारुख नगर रेलवे स्टेशन में। वहां से ये देखे कितनी छोटी ट्रेन है, अभी हम सवारी काटेंगे, हमारे साथ विकास भैया भी काटेंगे। ट्रेन भाई दिखा दीजिए कितने डिब्बे की है, तीन कोच लगे हुए हैं इसमें भाई साहब। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है पूरा जो ये रेवाड़ी का रेल म्यूज़ियम है मैंने आपको दिखा दिया। छोटी सी टॉय ट्रेन जो थी उस पर भी मैं गया, स्टेशन दिखाया, उसकी जर्नी दिखाई, और काफ़ी सारे पुराने पुराने आपको भाप के इंजन दिखाए जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और भारत में कहाँ कहाँ पे भाप के इंजन के कारखाने हैं ये भी मैंने आपको जानकारी दी। एक गदर फिल्म में जो है अकबर भाप के इंजन का प्रयोग हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया। आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाँ, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली। मिलता हूँ इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
हमारा प्यार भरा नमस्कार।